इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, आपके गाने के हुनर को तो हम सब देख चुके हैं इस शो के जरिए, लेकिन क्या आप कोई खेल भी खेलती हैं? मेरा मतलब है, आपका सबसे पसंदीदा गेम कौन सा है? हुसैन, स्कूल के जमाने में तो मैं खूब खेला करती थी, जैसे आम बच्चे खेलते हैं, बैडमिंटन, खो खो, कुछ भी, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं हो पाता है। लेकिन इसकी भरपाई मैं रोज जरूर कर लेती हूँ योगाभ्यास के जरिए। लेकिन आज खेल की बात क्यों हो रही है? आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती है, इसलिए आज हम खेल की बात कर रहे हैं, जो नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। अपने खेल से देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी आज दिन में सम्मानित किए जाते हैं, और इसलिए आज का दिन खेल के नाम समर्पित है और बहुत खास है। वैसे भी हुसैन, ये साल हम सबके लिए बहुत यादगार रहा है। टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल जीतकर भारत ने एक बार फिर से अपनी खोई हुई पहचान वापस पाई है। बिल्कुल, हम सब की जिंदगी में खेल काफी मायने रखते हैं। किसी भी खेल से बॉडी के साथ साथ हमारा माइंड भी एक्टिव होता है, लेकिन कई बार खेल के लिहाज से शरीर तैयार नहीं रहता, फिट नहीं होता, और नतीजा स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है। अब टोक्यो ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को ही ले लीजिए। पूरी तरह फिट नहीं होने की वजह से डायमंड लीग उन्हें छोड़ना पड़ा। बजरंग पुनिया तो चोट की वजह से ओलंपिक में आपने देखा कि किस तरीके से गोल्ड से चूक गए, और अब वर्ल्ड चैंपियनशिप से भी अपनी चोट की वजह से ही बाहर हैं। मीनाक्षी, इंग्लैंड दौरे को भी लीजिए आप, जहां विराट कोहली की टीम को के शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर को चोट का सामना करना पड़ा है। मतलब ये कि स्पोर्ट्स इंजरी हम अक्सर देख रहे हैं लोगों में। देखिए हुसैन, खेल चाहे कोई भी हो, खिलाड़ियों के लिए फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, और इसलिए वो जिम में पसीना बहाकर अपनी बॉडी बनाते हैं। कंसंट्रेशन और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तो ज्यादातर खिलाड़ी रोजाना योगाभ्यास भी करते हैं। वैसे भी जिंदगी हो या फिर खेल का मैदान, फिटनेस ना हो तो जीत नहीं मिलती। बिल्कुल, 100% यही बात है, और जो फिट है वो हिट है। मतलब ये कि सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं, हर किसी को फिट रहना चाहिए, और फिट रहने के लिए रोजाना रनिंग, एक्सरसाइज, योगाभ्यास बिल्कुल करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और नेशनल स्पोर्ट्स डे पर स्वामी रामदेव आज यही सब कुछ बताने वाले हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, और मीनाक्षी बहन आपको भी, और हमारे भावी भारत के ये खिलाड़ी भी, ये बच्चे सारे स्पोर्ट्स के साथ आज तैयार हैं, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश जुनून के साथ। और इन बच्चों को यहाँ पर एक तरह से सैनिक शिक्षा से लेकर के, नैतिक शिक्षा से लेकर के, अलग अलग सारे खेल, अलग अलग प्रकार की सारी योग विद्या, वेद विद्या, और उसके साथ साथ इनको जीवन विद्या पूरी सिखाते हैं। और एक बार हम पूरे जोरदार तालियों के अभिनंदन के साथ अभिनंदन करते हैं हमारे हॉकी के भीष्म पितामह, हॉकी के जादूगर जो है ध्यानचंद जी के साथ, मेजर ध्यानचंद जी ने जो है, और ये हमें सिखाया, और आज हम उनको प्रणाम करते हैं। और नेशनल हमारा स्पोर्ट्स डे है, ये बच्चे रस्सा कसी से लेकर के सभी तरह के हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, और इसमें पूरा जोश जुनून, शौर्य, वीरता, पराक्रम जगती है। और ये बच्चे अलग अलग तरह के सारे खेल खेलते हैं, और इससे एक उत्साह का वातावरण बनता है। आज का लॉकडाउन में बच्चों का बहुत कुछ छिन गया है, और ये हमारे बच्चे बहुत जोर से लगे हुए हैं, और कोई हारने का नाम नहीं ले रहा है। तो इधर ये सब बच्चे तीरंदाजी भी कर रहे हैं, स्केटिंग भी कर रहे हैं, स्केटिंग वाली फौज भी जोरदार है। सब बच्चों को ऐसे आनंद, उत्साह, जोश, जुनून के साथ मस्ती के साथ, चलो भाई कुश्ती करो। देखो ये छोटे छोटे हमारे मल्ल युद्ध करने वाले भावी हमारे रवि पुनिया जी, बजरंग जी, ये यहाँ पर तैयार हो रहे हैं जोरदार।
और अलग अलग खेलों से उत्साह बनता है और इससे एक अलग तरह का वातावरण निर्मित होता है। यहाँ ये अलग तरह का गेम है, इसमें एक बार टब्बा मारेंगे और फिर उसके बाद इसमें मामला जमता है। अब इसके लिए एक बार टब्बा लगने के बाद फिर खेला जाता है। मामला जो है बड़ी एकाग्रता का है, बड़े धीरज के साथ ऐसे ये अलग अलग प्रकार के गेम बच्चे यहाँ पर खेल करके और अपने शौर्य को बढ़ाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे कितने जोरदार मुग्धर, और इधर ये जो कुश्ती वाले भी जोरदार बालक हैं। तो खो खो भी चल रहा है, सब अलग अलग प्रकार के खेल चल रहे हैं। जबरदस्त है स्वामी जी। साथ यज्ञ भी चल रहा है और हम सारे देश के युवाओं से आह्वान करना चाहते हैं। सारे इंतजाम कर रखे हैं आपने। आज हमने संडे स्पेशल रखा है, सारे कठिन कठिन आसन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, इस बार ओलंपिक में तो हमारे ओलंपियन ने कमाल ही कर दिया है, और आपके यहाँ जितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है ये भविष्य के कुछ इसमें ओलंपियन भी हो। जाहिर सी बात है, अगर ये खेल रहे हैं तो आने वाले वक्त में देश का प्रतिनिधित्व भी ये कर सकते हैं। लेकिन कई बार स्वामी जी, बहुत सारे जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको इंजरी का सामना करना पड़ता है, उनकी राह में इंजरी एक मुश्किल बनकर खड़ी हो जाती है। तो इंजरी ना हो, ऐसा ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास खिलाड़ियों को खासतौर से करने चाहिए? खिलाड़ियों को जो देखो कठिन आसन जो बच्चे कर रहे हैं, ये तो कठिन आसन करते रहेंगे, ये तो चलो वृक्ष जो है ध्वजासन के साथ साथ ये तो पूर्ण चक्रासन और हनुमान आसन के साथ साथ वीरासन के साथ साथ नटराज आसन से यात्रा शुरू की। अलग अलग आसन जो कर रहे हैं, इतना ना भी कर पाए तो कम से कम ताड़ासन से यात्रा शुरू करें। ताड़ासन है, तिर्यक ताड़ासन है, ये तो बहुत इजी है। वृक्षासन है, गरुड़ासन है, पादहस्तासन है, ऐसे कठिन कठिन आसन करें, प्राणायाम करें और सूर्य नमस्कार तो सभी को कर लेना चाहिए। फिर आज स्पाइन की इंजरी बहुत खतरनाक होती है, उससे फिर हमारी ताकत आधी पड़ जाती है, तो वो भी बताएंगे। शुरुआत ताड़ासन से, तिर्यक ताड़ासन से करें, शुरुआत जो है वो वृक्षासन से करें, इससे कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। और स्वामी जी एक और अच्छी खबर आ रही है टोक्यो से, जैसे हमारे जहां इस वक्त पैरालंपिक्स मुकाबले चल रहे हैं और भारत की खिलाड़ी भावना पटेल ने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल स्वामी जी जीता है। इससे पहले हमने देखा कि भारत की बेटियों ने भी ओलंपिक में शानदार खेल दिखाया था, मीराबाई चानू ने सबसे पहले मेडल की शुरुआत की थी, और पैरालंपिक में भी पहले बेटियों ने ही शुरुआत की है। उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है, ये जीत भारत को हौसला देती है और सबके भीतर शौर्य का, वीरता का, पराक्रम का भाव जागता है। पूरा देश स्वाभिमान से, वीरता से, पराक्रम से ही तो जिंदा रहता है। तो ऐसे ही जैसे आपने कहा, हमने अभी पूरे पतंजलि गुरुकुलम में, ये तो एक परिसर है, ऐसे हमारे पास में इसमें लगभग 3000 बच्चे हैं और हम सबको इस गुरुकुल में अपनी योग विद्या, वेद विद्या और सारे आधुनिक सब्जेक्ट्स के साथ साथ में, माने मैथ, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर और वर्ल्ड लैंग्वेजेस के साथ साथ में हम इनको स्पोर्ट्स और संगीत, इन दो पर विशेष रूप से प्रशिक्षित कर रहे हैं। और हमारा सपना है कि आने वाले इस समय में जब भी कोई वैश्विक स्तर की प्रतियोगिता हो, उसमें भारत के कम 100 मेडल आए, और इस दिशा में हम भी प्रयत्न कर रहे हैं, पूरे देश को प्रयत्न करना चाहिए।
तो यहाँ से शुरुआत करें। सब खिलाड़ी कम से कम सुबह नियम से 10-20 बार सूर्य नमस्कार करें, इससे खाली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ती है, इससे सकारात्मकता बढ़ती है, उत्साह, जोश, जुनून, जीतने का जज्बा पैदा होता है। जी स्वामी जी, जो शुरुआत भावना ने की है पैरालंपिक में, हम उम्मीद करते हैं कि वो शुरुआत जो है अभी आगे और सिलसिला इसका जारी रहेगा मेडल आने का। चूंकि स्वामी जी अभी हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स इंजरी की, तो प्लेयर्स जो है खेल से पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, तो योगासनों के जरिए, योगाभ्यास के जरिए क्या स्ट्रेचिंग की जा सकती है? क्यों नहीं की जा सकती है? तो देखो, एक तो सूर्य नमस्कार, फिर सूर्य नमस्कार में जो ज़्यादा नहीं कर सकते वो थोड़े थोड़े अलग अलग प्रकार से अपने बॉडी का बैलेंस बनाए, ऐसे कम से कम इतना तो सब करें, पूरा कर सकें तो पूरा हनुमान आसन कर लें, जितना जिससे बन पाए, आधा कर पाए तो आधा कर लें, जिससे जितना बन पाए ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आगे पीछे दाएं बाएं पश्चिमोत्तानासन, आगे झुक गए, हनुमान आसन है, वीरासन है, भूनमन आसन है, ऐसे ये सारे के सारे दोनों पैर फैला दें और आगे झुक जाएं, भूनमन आसन करें, जो भूनमन आसन नहीं कर पाते एक एक पैर से ऐसे एक एक पैर से पश्चिमोत्तान आसन करें, आगे पीछे झुकें, दाएं बाएं झुकें, जो जितना कर पाएं इस तरह से करें, इस तरह से करें, माने ये योग के तौर तरीके हैं, जो जितना कर पाए, पैरों को दाएं बाएं मोड़ करके जितनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करते हैं उतना उतना उनका जो है हौसला भी बढ़ता चला जाता है, और जो आगे पीछे झुकने वाले अभ्यास है ना, ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, हमारी बैकबोन को भी स्ट्रेंथन करते हैं। ऐसे ये इतना नहीं तो, इतना तो सभी कर सकते हैं, जो तो ऐसे ये आवाज कम, तो ऐसे ऐसे और ये पूर्ण उष्ट्रासन देखो, अच्छा, कितना सुंदर कर रहे हैं हमारे बच्चे, पूर्ण उष्ट्रासन कर रहे हैं, एक पाद ग्रीवासन कर रहे हैं और वृश्चिकासन कर रहे हैं, ऐसे कठिन कठिन पोजेस तो थोड़ा सा प्रारंभ में मुश्किल हो जाएगी, थोड़ा सा इसके लिए अभ्यास अपेक्षित है, प्रारंभ में तो कोई इतना ही कर ले वही बहुत है, अब ये तो बच्चे तो पूरा सिर पर पैर टिका देते हैं और पूरे शरीर, तो जितना जो कर पाए, इतना नहीं तो कम से कम हमारे बालक तो विशेष बालक है, ये तो ऐसे बचपन से ही बालक है, बालिकाएं हैं, तो मैंने कहा हाँ भुजंगासन तो बहुत जबरदस्त है, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, वरकटासन, मैं तो चाहूंगा ये तो सब खिलाड़ियों को करना चाहिए, बहुत जबरदस्त होते हैं मीनाक्षी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है, आज बहुत ही खास दिन है और आज के दिन को और खास बना दिया भावना ने, जो पैरालंपिक में खेल रहे, जिन्होंने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीत लिया, कल ही उन्होंने सिल्वर मेडल अपना पक्का कर दिया, तो और आज उनके जीत की खबर आ चुकी है, तो एक शानदार दिन और उस दिन का जो आगाज है वो भी बहुत शानदार रहा है, और इस तरह की और खबरें आती रहेंगी टोक्यो से, वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। स्वामी जी, अक्सर हम एक बड़ी सी बॉल देखते हैं ग्राउंड में रखी रहती है, जिम में भी होती है, जो रबर की एक बॉल होती है बड़ी सी, उसके जरिए हम देखते हैं कि प्लेयर्स जो हैं और या फिर जिम में जाने वाले लोग स्ट्रेचिंग करते हैं, तो योग में उसका क्या है ऑल्टरनेट? योग में ऑल्टरनेट है भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, चक्रासन, चलो बच्चों पूर्ण चक्रासन करो, अब बोल के ऊपर ना लटकते हैं दाएं बाएं जी, अब ये बिना ही बोल के पूरे लटक जाते हैं आगे पीछे पीछे बॉल का सहारा नहीं लेना पड़ता, चक्रासन आगे झुकते हैं तो पाद हस्तासन, ये चक्र देखो बिना सहारे के पूर्ण स्वावलंबन के साथ, देखो कितना बढ़िया कर रहे जी, तो
बिना सहारे के योग पूर्ण स्वावलंबन देता है, हमें पूर्ण स्वाधीनता देता है। आत्मनिर्भरता का महामंत्र है योग। तो बॉल की बजाय चक्रासन और फिर वापस आगे पीछे बेटा ऐसे पैर लेके आओ। देखो अब ये जो कर लेते हैं उनके लिए बॉल का क्या मायना है। देखो ये है मूल बात, ऐसे ये एनर्जी लेवल होना चाहिए, ये स्फूर्ति होनी चाहिए, तो ये फिटनेस का लेवल होना चाहिए। और जो इतना ना कर पाए तो फिर बॉल के साथ ही थोड़ा जुगाड़बाजी से ही कर लो, लेकिन कर लो जरूर ऐसे। और ज्यादा ही चोटिल हो जाए तो फिर बैठे बैठे भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कर ले हमारे सन्यासियों की तरह। वैसे हमारे सन्यासी चोटिल नहीं है, हमारे स्वामी आनंद देव जी, आत्मदेव जी, ईश देव जी, नारायण देव जी, सारे हमारे शाश्वत देव जी, ये सब महापुरुष लगे हुए हैं। नारायण देव जी, चैतन्य देव जी, ऐसे कपालभाति अनुलोम विलोम भस्त्रिका ही कर ले। तो ये मरकटासन जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत जबरदस्त है, तो ये विकल्प है उसका जो। और फिर देखो ये पवन मुक्त आसन, अब आजकल खेल के मैदान में आप कोई भी खेल देखिए वहाँ थोड़े ये चार पांच आसन तो सबने सम्मिलित कर ही लिए हैं, चाहे वो पश्चिमोत्तान आसन हो, भूनमन आसन हो, पवन मुक्त आसन हो या मरकट आसन हो। क्योंकि अब खेल के मैदान से लेकर के युद्ध के मैदान तक हमारे सैनिक भी, और राजनीति में योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के और आदरणीय मोदी जी तक सब करने लगे योग। आज पूरी दुनिया के टॉप सेलिब्रिटीज हो, टॉप पॉलिटिशियन हो, टॉप बिजनेसमैन हो, टॉप खिलाड़ी हो, सब योग करते हैं। और बच्चों को मैं तो चाहूँगा पांच आसन तो सबको करने चाहिए। चलो बच्चों एक साथ सर्वांग आसन, ये सर्वांग आसन, ये सब बच्चे देख ले सीख ले, आजकल खिलाड़ी भी करने लगे हैं ये सर्वांग आसन। फिर ये हलासन, ये तो पांच आसन तो सब बच्चों को करने ही चाहिए, सर्वांग आसन, हलासन, जो पूरा ना कर सके तो थोड़ा सा तो शुरू करें ऐसे चक्रासन। अच्छा स्वामी जी, ऐसे ये चक्रासन अगर कोई खेलों में टॉप पर पहुंचना चाहता है, पश्चिमोत्तानासन और शीर्षासन, अगर कोई नीरज चोपड़ा या फिर भावना पटेल बनना चाहता है तो उसे स्ट्रेंथ के साथ साथ स्टेमिना की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तभी मेडल हासिल होगा। तो क्या दंड बैठक, मयूरी आसन, शीर्षासन, नटराज आसन, ये जो तमाम योगाभ्यास हैं, इनके जरिए स्ट्रेंथ के साथ साथ स्टेमिना को भी बढ़ाया जा सकता है? बहुत जबरदस्त, हमारे यहाँ तो योग का मूल सिद्धांत ही है न योगात परम बलम, योग से बड़ा कोई बल ही नहीं है, न योगात परम धनम न योगात परम सुखम। तो जो आदमी एक मिनट तक ऐसे मयूरी आसन या मयूरासन कर लेगा, इधर आओ बेटा निपुण जी, एक मिनट तक अपने हाथों पर खड़े रहो। अब ये एक मिनट तक अपने हाथों पर ही ऐसे खड़ा हो जाता है, ऐसे दो मिनट तक खड़ा हो जाता है। ये वाकई में केवल इनका नाम निपुण नहीं है बल्कि ये काम से भी निपुण है। बहुत ही सुंदर ये दृश्य है स्वामी जी कि गुरु भी और शिष्य भी इतने कठिन कठिन आसन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दर्शक अभिभूत हो जाते हैं ऐसे दृश्य देखकर। स्वामी जी लेकिन खेल के दौरान खिलाड़ियों की जो एक परेशानी सबसे ज्यादा सुनने में हमें मिलती है वो उनके एंकल में ट्विस्ट आ जाना, तो ऐसे में ये जो टखने में ट्विस्ट आ जाता है या चोट लग जाती है या मोच आ जाती है, इससे निपटने की योग के जरिए क्या क्या उपाय हैं? तो ये तो 12 दंड हम पूरी बताते हैं, अभी तो थोड़ी सी करके बताई हमने। ऐसे ये दंड लगा लिया करें और बैठक लगा लिया करें। अब ये तो ऐसे दो मिनट तक रुके रहते हैं, अब लगातार कर रहे हैं टखने के लिए ऐसे। अब इतनी स्ट्रेंथ जिसमें होगी, इतना स्टेमिना जिसमें होगा, इतना कंसंट्रेशन जिसमें होगा, वो निपुण की तरह योग में निपुण नहीं होगा, वो जीवन में हर सफलता की जंग जीतेगा। तो टखने के लिए देखो ये है, आगे पीछे ऐसे दबाया,
ऐसे स्ट्रेच किया आगे पैरों को, पीछे भी किया। अब ये देखो एक से दूसरे में आ गए हैं, थकने का नाम ही नहीं ले रहे और ऐसे वापस आ जाओ। अब पैर हाथ पीछे, अब देखो आप देख रहे हो, पैर पास में रखो और दोनों कान के साइड में लगा दिया। ओफो। तो क्या आगे पीछे है? दबाया टखने को, गोल गोल घुमाया और चलो बेटा वापस आ जा, फिर मयूरासन में आ गए बिना रुके। इसको कहते हैं स्टेमिना। फिर मयूरी आसन में आ गए बिना धरती पर पैर टिकाए, ऐसे एक के बाद दूसरा। चलो बेटा ये तो अभी थकने का नाम ही नहीं ले रहा, एक के बाद दूसरे में आ रहा है, रिदमिक योगा चल रहा है। कितनी बार चलो बेटा कहते हैं बोझले आसन में आ जाते हैं, चोट लग जाए ना तो दोनों तरफ से यहां से करें। गुरुजी पेट्रोल खत्म ही नहीं होता मैं रुकने के लिए बोल रहा हूँ, ये झुकने का नाम नहीं ले रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो भाई बहुत बहुत अभिनंदन है निपुण, बहुत अच्छा भाई निपुण, बहुत अच्छा शानदार। फिर देखो यहाँ से दबाए टखने को, आगे पीछे दबाए, गोल घुमाओ और ये पॉइंट दबाए, सात पॉइंट है ये, ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसे ऊपर से नीचे तक, ऐसे ऐसे, ये बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, पूरा ये ऐसे यहाँ से दबाए एकदम से। मुझे भी कई बार पैर में चोट लगी है, मोच लगी है, शुरू से थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने की आदत है, कभी बनाए हुए रास्तों पर हम चले नहीं, तुम जिधर चलो उधर ही रास्ता बने रहे। तो जो है बहुत हिमालय चढ़े हैं तो पैर में मोच आ गई, चोट आ गई, तो बस ये दबा लिया यहाँ से यहाँ तक, ऊपर तक, ऊपर तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिनको भी पैर में चोट लग जाती, यहाँ पूरा चैनल है, ये नाखून तक ऊपर तक दबाते हैं ऐसे, फिर यहाँ से ये, यहाँ से ये, फिर इसमें पीड़न तक तेल लगाते हैं, पीड़ानिल जो है स्प्रे लगाते हैं, थोड़ा सा तेल भी बताएंगे आज कैसे घर में ही बना लें सब, और एक हल्दी और चूने का लेप भी लगाते हैं, हल्दी और चूना फिर बांध देते हैं, हल्दी चूना और उसमें हल्दी चूना को और एलोवेरा का पल्प, हल्दी चूना और एलोवेरा का पल्प भी निकाल लो भाई थोड़ा। स्वामी जी इससे पहले कि हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, आपने कहा आप खूब चलते हैं पथरीली पहाड़ियों पर भी, मैदान पर भी, तो आप तो हमेशा खड़ाऊ में मुझे दिखाई देते हैं, तो क्या खड़ाऊ पहनने से इंजरी होने की मतलब संभावना कम होती है, क्या उसका कोई एक साइंटिफिक लॉजिक है उसके पीछे? ये जो खड़ाऊ रखी है ना, ये तीन तरह से बड़ी उपयोगी है। एक तो खड़ाऊ पहनने वाले को कभी पैर में पसीना नहीं आता, और देखो मैं कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाता पैरों में, कुछ भी नहीं, ये तो कभी कभी दिखाने के लिए क्रैक हील जो सरसों के तेल, मोम और कपूर आदि से बना देते हैं, और एलोवेरा जेल आदि हम बता देते हैं। आपके पांव देख के तो मुझे छुपाने पड़ जाएंगे। सुबह सुबह पैर धोने की भी फुर्सत नहीं मिली, ऐसे ही भाग दौड़ करके पहुंच गया है ना, तो पैर एकदम ऐसे है तो पैर में कभी पसीना नहीं आता इनसे। दूसरा, इससे मन पर संयम रहता है, यहाँ एक नाड़ी दबती है, उससे अपने आप शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, विचार भाव संवेदनाओं पर संयम आता है। और तीसरा जो है ये, कभी कभी कोई आक्रमण कर दे स्वामी तो जो है आपके बराबर निपुण ने बड़ा कमाल किया आसन कर रखा का आप इधर देना बात भूल गए आपने सुनी नहीं उसे फोड़ने के काम भी आप आक्रमण कर दे तो सिर फोड़ने का भी काम आता है। ये स्वामी जी उपयोगिता सबसे अहम बताई आपने। एक बार मैं फंस गया था, लड़कियों को जरूर पहननी चाहिए खड़ा हो। जी जी स्वामी जी, मैं एक बार एकदम रियल बात बताता हूँ। करीब 25 साल पहले हरिद्वार में मुझे 20-25 लोगों ने घेर लिया और चारों तरफ से आक्रमण करने लगे, तो पहले तो मुझे थोड़ा सा वो जोड़ो कराटो और थोड़ी फाइटिंग आती है, तो मैंने बहुत रक्षा की, पहले हाथों से पैरों से खूब, 20-25 लोगों के साथ अकेले मुकाबला करना बड़ा कठिन होता है, जो ज़्यादा ही टूट पड़े और प्रहार करने लगे तो मैंने खड़ाऊ का प्रसाद दिया और उसके बाद सब उल्टे पाव भाग गए। वहां से निकला तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है।
ठीक है स्वामी जी, वैसे ये हंसी मजाक की बात थी, खड़ाव सिर्फ सेहत के फायदे के लिए है, गाहे बगाहे जो स्वामी जी कह रहे हैं उसकी जरूरत पड़ जाए तो अलग की बात है। स्वामी जी, मांसपेशियों में खिंचाव जो है वो भी खिलाड़ियों में एक बहुत आम सी प्रॉब्लम है, आम सी परेशानी है, मसल टियर या मसल्स का पुल हो जाना, ऐसी सिचुएशन में ऐसे हालात में कौन सा आयुर्वेदिक उपचार जो है वो कारगर होगा? और मसल टियर तो बहुत तकलीफ दे होता है स्वामी जी। देखो, एक तो ये ना सूक्ष्म व्यायाम, इसको लोग हल्के में लेते हैं, इसको एक तो ये किया करें, अलग अलग तरह के सूक्ष्म व्यायाम ऐसे, और फिर इसमें आयुर्वेद में दूध में हल्दी शिलाजीत ले लिया करें, और लाक्षादी गुगुल बहुत ज़बरदस्त होता है इसके लिए, लाक्षादी गुगुल ले लिया करें, एलोवेरा का जूस बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, एलोवेरा और गिलोय, गिलोय की आकृति ऐसी होती है कि देखो वो जो गिलोय रखी है ना इधर गमले के अंदर, गिलोय की आकृति ऐसी होती है उसको तोड़ो भी तो टूटती नहीं, तो जो गिलोय का रोज सेवन करते हैं, एलोवेरा का रोज सेवन करते हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं आती। लाक्षादी गुगुल इसके लिए सबसे अच्छा है, न्यूट्रिला बोन हेल्थ भी इसके लिए अच्छा है। वैसे हल्दी 1-2 ग्राम सुबह जो खाली पेट ले लेते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, जिनके लोगों के शरीर में स्टिफनेस बहुत रहती है उनको दूध में हल्दी और शिलाजीत ही हम पिलाते हैं, फिर ये सूक्ष्म व्यायाम जो आपको अभी बता रहे इनको कराते हैं, और प्राणायाम करवाते हैं, प्राणायाम थोड़ा सा उनको पहलवानी स्टाइल से कराते हैं ऐसे। अब ये तो हमारे टिट्टी भाषण से लेकर के उत्थित टिट्टी भाषण से लेकर के विपरीत टिट्टी भाषण करो, टिट्टी भाषण विपरीत टिट्टी भाषण उत्थित टिट्टी भाषण, ये सारे के सारे हैं, ये तो बड़े कठिन कठिन अभ्यास कर रहे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है निपुण जी का। तो ऐसे एक आपको अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, 45 साल हो गए मुझे योग करते कराते, और अब तो इंडिया टीवी ने हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों तक योग को पहुंचा दिया, उसके के लिए इंडिया टीवी का भी अभिनंदन है, योग को जीवन शैली बना दिया, और सब लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनकरेबल डिजीज, इंजरी, अलग अलग तरह की जो डिफिकल्टीज लाइफ में आती हैं, अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस, संकट, संघर्ष, समस्याएं, चुनौती आती हैं, उन सब से बाहर निकलने का मार्ग दिखा दिया। मैं 5 मिनट जब ऐसे भस्त्रिका करता हूँ ना तो पूरे शरीर से पसीना चूने लगता है, और ये मेरी स्पीड होती है, 1 मिनट में 200 बार करता हूँ, 10,000 किलो कैलोरी 1 मिनट के अंदर एक्सपेंडिचर होता है। ऐसे पूरा 5 मिनट तक पूरा पसीना चूने लगता है ऐसे, और आज तो आसमान में बादल है, बहुत सुहाना वातावरण है, उसके बावजूद भी तो ऐसे तेजी से योगाभ्यास करते हैं। भस्त्री का कपाल भाती भी सुपर फास्ट तरीके से करने चाहिए खिलाड़ियों को, और अनुलोम विलोम, तो पूरा शरीर ऐसे हो जाता है जैसे चाहो वैसे इसको नचाओ, अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने विचार भाव संवेदनाओं पर अपना नियंत्रण, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होगा तभी तो भावना की तरह विजयी बनेंगे। लोग इन्हीं में बह जाते हैं, जो बह गया वो भोगी, और जो ठहर गया सो योगी। तो भस्त्रिका कपाल भात या अनुलोम विलोम, कुछ कुछ बूंदे भी पड़ने लगी हैं, आसमान से भगवान भी आशीर्वाद दे रहे हैं। स्वामी जी, अब कुछ सवालों को शामिल करने की बारी है, अब बहुत से सवाल दर्शकों के आ चुके हैं, और सबसे पहला सवाल सुनील का है स्वामी जी, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बाद से उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया है, योग से उन्हें कैसे फायदा मिल सकता है? त्रयोदशांग गुगल, चंद्र प्रभावटी और गोक्षराज गुगुल, गोकरू ऐसे, गोकरू और गोदन और पीने से पूरे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, जो भी पेन देते हैं, जितने भी पेन मार्कर्स हैं वो एकदम नॉर्मलाइज हो जाते हैं, तो गोकरू का पानी पिए या गोधन अर्थ पिए, चंद्र प्रभावटी, गोक्षराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल एक ही गोली खाने के बाद ले लें, या एक ही खाना है तो ऑर्थोग्रिक ले लें, और खट्टी चीज़ें ना खाएँ, और आसन जो हमने बताए थे उष्ट्रासन से लेकर के मकरासन, भुजंगासन और मरकटासन, ये अभ्यास करेंगे तो 100% रीढ़ की हड्डी ठीक हो जाती है। लेकिन उसमें भुजंगासन हम 1-2 मिनट से शुरू करके 10 मिनट तक करवा देते हैं। अब ये तो कठिन अभ्यास तो मत करना वो लोग जिनकी कमर टूटी पड़ी है, पता लगा कि फिर वैसे ही टूट फूट जाएगी। कमाल है स्वामी जी, करो भुजंगासन, करो भुजंगासन, और ऐसे 10 बार तक शुरू करके 100 बार तक करना चाहिए, पैर पीछे पास में, पंजे पीछे तने, ये तो पूर्ण भुजंगासन कर दिया पैर पास में भी, और 100 बार करो वैसे।
कोई बात नहीं स्वामी जी, दर्शकों के पास दोनों विकल्प है, थोड़ा धीरे धीरे, ये तो सुपर फास्ट करने लगे, शुरुआत वहाँ से कर ले जहाँ से मैं कर रही हूँ और पारंगत वहाँ तक हो जाए जहाँ तक निपुण है। अगला प्रश्न ले लो स्वामी जी। अगला सवाल शांति का है। बाएं हाथ के अंगूठे के ज्वाइंट पर हड्डी बढ़ रही है, शांति के बाएं हाथ का जो अंगूठा है उसका जो ज्वाइंट है वहाँ की हड्डी बढ़ रही है और उसमें दर्द भी रहता है, इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तो ये 100 बार ऐसे करें कपालभाति के साथ और इसमें दूध के साथ हल्दी ले लें और इसके ऊपर एलोवेरा बांध लें, एलोवेरा चूना और ये हल्दी, एलोवेरा चूना और हल्दी जो है ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। एलोवेरा जेल जो है डाल लें, यदि फ्रेश एलोवेरा नहीं मिले तो एलोवेरा इधर लाओ बेटे, तो एलोवेरा, एलोवेरा हल्दी और चूना जो है इसको तीनों को जहाँ पर भी कहीं दर्द हो जाता है ना, तो एलोवेरा के आज इनको पता नहीं था कि एलोवेरा का भी सब्जेक्ट आ जाएगा, तो ये छोटे छोटे बच्चे ले आए, तो एलोवेरा के छोटे पत्ते या बड़े पत्ते इनको क्रश करके और इसमें ये मिला लें ऐसे, ये एलोवेरा है इसको तो क्रश कर लें या एलोवेरा का जेल डाल दें, एलोवेरा और ये चूना, चूना जो है ना कैल्शियम जो होता है ना इसमें, ये खाली खाने के काम नहीं आता, चूना कुछ लोग खाते भी है, वैसे छोटी सी चुटकी भर चूना लोग पान में जो खाते हैं ना वो भी खा सकते हैं, फिर एलोवेरा जेल भी इसमें लगा दिया और इसको बांध दें फिर इसके ऊपर, फिर इससे पूरा वो बैठ जाएगा और कपाल भाति करें, मैंने देखा बड़ी हुई हड्डी अपने आप बैठ जाती है और घिसी हुई हड्डी वापस आ जाती है, ये लाभ जबरदस्त है। एक साथ आपने दो दो परेशानी का इलाज बता दिया, एलोवेरा के बड़ी हुई हड्डी और घिसी हुई हड्डी, ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल पूजा का है। टेनिस एल्बो में पिछले 1 महीने से उनको दर्द हो रहा है, इंजेक्शन नहीं लेना चाहती हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। बैठ, टेनिस एल्बो के लिए एक तो ये लेप लगा ले, फिर इसके अंदर ये पीड़ांतक जो स्प्रे है या पीड़ांतक ओयल है या ये पीड़ानील इसको लगा करके ना जो है ऐसे, फिर इसके ऊपर और फिर इसके ऊपर पट्टी बांध दें जो गर्म पट्टी है बोलते हैं, और यहाँ से ये जो पैर में बताए थे वो हाथ में दबा दें, एक दिन में टेनिस एल्बो दूर होती, और रात को फिर ये पीड़ांतक ऑइंटमेंट लगा के पीड़ांतक तेल लगा करके और इसके ऊपर पट्टी बांध के सोगे, 1 से 3 दिन के अंदर टेनिस एल्बो दूर हो जाती है, लोग 1-1, 2-2 महीना, 6-6 महीना, 1-1 साल तक दुखी रहते हैं। ये 7 चैनल यहाँ से होगी, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये सारे यहाँ से ऐसे ऐसे शुरू करके और यहाँ तक दबाते ऐसे दोनों तरफ ऐसे ऐसे यहाँ से शुरू करके ऐसे ऐसे बीच से और यहाँ से और ये करके फिर 1 पॉइंट यहाँ से दबाते और ये पूरा टेनिस एल्बो दूर हो जाए। इसके लिए फिर ऑर्थो ग्रिट खाने के बाद 2-2 गोली और पीडानिल गोल्ड खा लें, दूध में हल्दी सिला जो ये तो रामबाण है, और कपाल भाती कर लें। स्वामी जी का आखिरी सवाल, उसके बाद कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। आसन तो बहुत कर लिए जी स्वामी जी। अगला सवाल चंद्रमणि का है। उनकी पोर्टल वेन मल्टीपल कोलेट्रल से रिप्लेस हो गई है और पोर्टल हाइपरटेंशन भी हो गया है, ये सवाल भी हमें बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो स्वामी जी बताएं इनके लिए क्या उपाय है? इसके लिए एक तो सूक्ष्म व्यायाम और भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और मेधावटी और 2-2 गोली सुबह शाम ले लें, मेधावटी एकदम अच्छे हो जाएगी। और एक बात और बता देता हूँ, ये मूंग, ये है सोयाबीन, इनको अंकुरित करके ये मेथी, स्प्राउट्स का पूरी दुनिया में, और ये जो है ना स्प्राउट जब ऐसे ये खाते हैं ना तो कड़वा नहीं लगता। मैं मधुर प्रिय हूँ, करेला कभी बचपन में
एक दो बार खाया होगा 15-20 साल की उम्र तक, कड़वा लगता था मुझे। मेथी भी पहले ऐसा लगता था कि कड़वी होगी, मैं खुद नहीं खाता था। ये अंकुरित होने के बाद कड़वी नहीं लगती है, बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो मेथी, मूंग और ये कच्चे खाया करें सुबह सुबह, उससे इसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है, सारे न्यूट्रिशन महत्वपूर्ण न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। मकई खा ले, मूंग बोट मेथी खा ले, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, फ्लैक्सीड ले ले, उनको भी अंकुरित कर ले। सारी चीज़ों को अंकुरित करके खा ले, फ्लैक्सीड से लेकर के मूंग बोट मेथी से लेकर के चना से लेकर के सोयाबीन, मूंगफली, बादाम, जो जिसको भी। और ये खिलाड़ियों के लिए भी स्वामी जी बहुत फायदेमंद है, और बचाने के लिए कपाल भाते करें जी। अब स्वामी जी जरा दर्शकों को बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास है। कल दिखाएंगे जिंदगी में रहते हैं अक्सर बीमार, उलझनों मुश्किलों से घिरे हैं आप, स्ट्रेस टेंशन और एम्बिशन को कैसे करें मैनेज। श्री कृष्ण के 18 योग जीवन बनाएंगे निरोग, योग का एडवांस सेशन जन्माष्टमी पर कान्हा स्पेशल कल बताएंगे स्वामी रामदेव सुबह 8 बजे। क्या खास स्वामी जी बनने जा रहा है? ये तिल का तेल है, तिल के तेल में, तिल के तेल में एक ये होती है अमरबेल, पूरे हिंदुस्तान में होती है, इसको अच्छे से कूट लें, इसको कूट करके। और स्वामी जी इस वक्त हम वो ट्वीट दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भावना पटेल को मुबारकबाद दी है, भावना पटेल ने पैरालंपिक में जो कमाल किया, तो भावना को के लिए ये वाकई उत्साहवर्धक भी है काफ़ी। हमने देखा है पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री, हमारी टीम वहाँ खेल रही थी ओलंपिक में, तो प्रधानमंत्री बाकायदा फ़ोन पर बात भी कर रहे थे, और भाविना ने जो कमाल किया है, सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है टेबल टेनिस में, उनको भी प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट के जरिए बधाई दी है। स्वामी जी आप भी अपनी बात पूरी करें। तो बस भावना जी को भी अभिनंदन, और देखो तिल के तेल में या सरसों के तेल में ऐसे आंखे के पत्ते, ये अमर बेल, ये लहसुन, ये छोटी छोटी चीज़ें, हल्दी, अदरक, एलोवेरा, ऐसे पकाकर इसको लगा लेंगे तो ये पीड़ान तक तेल या पीड़ानील चाहे और ये सब से इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम चाहते हैं होम रेमेडी लोग सीखें और इनसे अपने सब दर्दों से मुक्ति पाएँ। मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसा अपना आरोग्य बनाएं, भावना की तरह मेडल भी जीतें और ज़िंदगी की चंग भी जीतें। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।